हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने पाइथन की मदद से एक रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बनाया। मैंने इस सॉफ्टवेयर को टाइपो स्पीड नाम दिया है, जो कि क्या करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड को WPM स्टैंडर्ड में मेज़र करता है। और इतना ही नहीं, ये हमें ये भी बताएगा कि हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी क्या थी और हमने कितने वर्ड्स गलत लिखे। गाइज, ये पूरा फुल्ली फंक्शनल GUI सॉफ्टवेयर होने वाला है, जो आपको पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि थ्रेडिंग, टाइम, GUI विंडो कैसे बनाते हैं और इस विंडो पे थीम कैसे लगाते हैं, वो भी सीखने में मदद करेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा देता हूँ। गाइज, मैंने यहाँ पे टाइपो स्पीड स्टार्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत मेहनत करके डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर मैंने दो बटन दिए हुए है, एक है स्टार्ट का और दूसरा है रिसेट का। तो चलिए, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा रिमेनिंग टाइमर वाला काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट का सेट किया हुआ था, तो ये 1 मिनट से 60 सेकंड से लेके 0 तक जाएगा। तो अब इस टेस्ट को मुझे 1 मिनट में ख़त्म करना है। तो चले, मैं इसे टाइप करना शुरू करता हूँ। तो गाइज, ये हमारा टेस्ट ख़त्म हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी वर्ड पर मिनट WPM यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि 31 आई है। और साथ ही में इस टेस्ट में मैंने एक वर्ड गलत लिखा था, इसलिए मेरी एक्यूरेसी 100 से डाउन होके 96.88 हो गई है। अब यहाँ पे मैंने जो टोटल वर्ड्स टाइप किए वो यहाँ पे शो कर रहा है कि मैंने वो 32 लिखे थे और उसमें से एक वर्ड्स गलत है। गाइज, यहाँ पे आपने एक और बात तो नोटिस की होगी कि जब भी मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा था तो ये वाले बटन हाईलाइट हो रहे थे, जो कीबोर्ड हमने बनाया है उसके बटन हाईलाइट हो रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं यू प्रेस करता हूँ तो यू वाला बटन हाईलाइट हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।